पता नहीं मेरा आईफोन में प्रॉब्लम है ना, कैमरा में प्रॉब्लम है, लोगों का मुंह देखो, मतलब मेकअप पूरा छप के दिख रहा है। ये वाला एक और राइड है जिससे मुझको बहुत डर लगता है। सो हेलो गाइस, कैसे आप लोग, स्वागत करता है कौन है वीडियो में। और गाइस आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। सो गाइस आप टाइटल देख के समझ ही गए होंगे मैं कहाँ जाने वाला हूँ। और हाँ गाइस मैं पहले बता दूँ, ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये ब्लॉग, ठीक है, मतलब मैं ये नहीं दिखाने के लिए बना रहा हूँ कि हाँ वहाँ पे क्या प्राइस है नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका, बट मैं कोशिश करूंगा कि हाँ अगर पिछले वीडियो में जो नहीं दिखा था इस बार मैं इन्फॉर्मेशन जो भी नहीं दिया था पिछले वीडियो दे दूँ, ठीक है। सो आज मैं जाने वाला हूँ श्रेया, जो अभी मेकअप करके रेडी है, ठीक है, और साथ में जाएंगे इसके दोस्त। हम लोग को मीट करने का टाइम था 9 बजे, बट अभी काफी लेट हो चुका है, 9 बज गया, तो मैं निकलता हूँ यहाँ से, ठीक है, इसका गंदा शक्ल लेके जो काफी मतलब मेकअप थोप के जा रही है। गंदा शक्ल है मेरा नहीं। अच्छा तुम्हारे कितने दोस्त आ रहे हैं अभी? आज हम लोगों को लेके 8, मतलब 6 सारे कपल ही हैं क्या हम दोनों को छोड़ के? वो पता नहीं, वो देखने के लिए पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। और अगर तो हम लोग निकलते हैं यहाँ पे, डायरेक्ट पहुंचते हैं निको पर, फिर आपको दिखाते हैं। पहुंच चुके हैं, ठीक है, और ये देखो हमारे साथ कौन आ गया, देखो कैलेंडर गर्ल मौली, बेजाई रो रही है पता नहीं क्यों। नहीं हम नहीं रो रहे, पता नहीं, और भी बाकी लोग हैं साथ में आए हैं, वहाँ पे देखो हेलमेट दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हेलमेट जमा होता है, देख सकते हो ये कार पार्किंग जोन है, जोन है जहाँ पे स्कूटी और बाइक जमा होता है। तो अभी हम लोग ने यहाँ पे हेलमेट जमा कर दिया, और यहाँ पे एक आपको एक रिसिप्ट मिलता है जो कि आपको रखना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप लोग हेलमेट जमा करते हो और रिसिप्ट हरा देते हो तो हेलमेट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, मतलब मैं बता दे रहा, पिछले वीडियो में नहीं बताया था, ठीक है, पता नहीं लाइट आ रहा है कि नहीं, बिकॉज सामने से धूप पीछे से आ रहा है, तो लाइट आ रहा है कि नहीं पता नहीं, एडजस्ट कर लेना। और सामने देखो लाइन है यहाँ पर, मतलब उधर लाइन है, ये बस ये की हो, ये क्या है भाई, मैं 2 बार आया हूँ यार, मतलब ये लगे 2 बार हो गया, पता ही नहीं है क्या चीज़ है, ठीक है। और तो रास्ता भी नहीं पता। और जो क्या बोली, तो रास्ता भी नहीं पता। रास्ता पता था मेरे को, बट ब्रिज से उतरने के बाद मेरे को रास्ता थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था मैं। और ये जो आप एग्जिट गेट देख रहे हो 12, यहीं से ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन टिकट का जो है एंट्री होता है, और पास में जो ऑफलाइन कटाते हैं उसका होता है, पता नहीं एग्जिट के सामने पिछले वीडियो में बता चुका ऑलरेडी, तो यहाँ पे ऑनलाइन टिकट वालों का एंट्री है। तो पहले वहाँ जाके टिकट दिखा दे, बिकॉज ईमेल में तो टिकट आया नहीं था, ठीक है, मैसेज में आया था, मैसेज में मतलब एक ऑर्डर नंबर आया, तो ऑर्डर नंबर दिखा के यहाँ से एंट्री लेते हैं। ये देखो फालतू का काम करना शुरू हो गया है लोग, ये देखो क्या क्या होगा, फोटो खींच के शकल तो ऐसे गंदा रहने वाला है सबका। चलो सेल्फी हो जाए, थैंक यू। और कुछ बोलना है? चलो पानी में डुबा डुबा के मारेंगे तुमको। तुमको राइड से डर लगता है, तुमको सब राइड हम। मैं भाई राइड से बहुत दूर रहता हूँ, ठीक है, मैं नहीं करने वाला। आज तुमको हम बिठाएंगे राइड पे। तुम्हें बैठो राइड पे, मैं नहीं बैठने वाला। और गाइस सॉरी मैं लाइन में लग चुका हूँ, ठीक है, यहाँ से ऑनलाइन 10 बार बता चुका हूँ, ठीक है, और यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ये है रोहित भैया और उनकी दोस्त, और रूबीना खातून, और ये है देवजीत दा, और उनका नाम सागर है ना, राहुल, सॉरी राहुल, उसको तो पहले बता दिया था, वो तुम दोनों का गंदा सगला तुम्हें दिखाऊंगा ना, वीडियो मेरा खराब हो जाएगा। तो गाइस मेरा फ्रेंडशिप बैंड बन गया, ठीक है, ये प्रूफ है कि मैं निको पार्क का मालिक हूँ। बोला कि फ्रेंडशिप बैंड नहीं राखी, मेरा भी, मेरा भी, मेरा भी, अभी इधर फोटो सेशन होगा थोड़ा सा। अरे हाथ तेरे को ना फाइनली हम लोग एंटर कर चुके हैं, और जिनको नहीं पता है मतलब जो नहीं देखे मतलब आउट ऑफ कोलकाता से जो वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, अंदर रुकने के बाद जो है एंट्री ऐसा होता है यहाँ सामने से, ठीक है, ये देखो ये गेट है, मतलब वहाँ से देन यहाँ, ठीक है भाई, सच बात बता रहा हूँ, मैं पिछले बार जब आया था तो एक दोस्त के साथ आया था रवि, जो कि पता है मैं क्या नाम दे के रखा हूँ, उसको जो वीडियो देखते हैं, ठीक है, बट ग्रुप के साथ आज आने का मजा ही कुछ और है, और ये लोग के साथ पहली बार जो है मैं पहली बार मतलब निकल रहा हूँ, ठीक है, मतलब इसके फ्रेंड है, मेरा भी फ्रेंड हो गया अब, तो मज़ा बहुत करेंगे, बहुत ज़्यादा मज़ा करने वाला है। पहले हम जाएंगे वाटर पार्क, उसके बाद हम लोग राइड्स पे आएंगे, क्योंकि मैं तो पता एक चीज़ लेके मेरे को बहुत डर लग रहा है, मैं सच बता रहा हूँ, बता नहीं सकता, इतना डर लग रहा है कि क्या ही बताऊँ, कि अगर ये पानी में जाएगी फिर मेकअप धोने के बाद जो फेस इसका आएगा सामने, मतलब देख के सब इतना डरेंगे, उसके लिए मैं डरा हुआ हूँ। ये वाटरप्रूफ मेकअप है,
वाटर ये अब कैसा फेंका होता भाई आगे लॉकर टर्न है ना वो चलो चलो लॉकर ले लेते आगे भाई मेरे पास टी शर्ट है तो मेरे को लेने का जरूरत है ये टी शर्ट नहीं है तो अगर यहाँ से ये तो यहाँ प्राइस लिखा हुआ है दिखाता हूँ ये देखो आपको जो चाहिए यहाँ से मिल जाएगा ये देख लो मैं एक एक करके बताऊंगा तो वीडियो ऐसे भी लंबा हो जाएगा देखो, देखो ये लड़के पे आ गया ये लड़के पे चेंज 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 हाँ अब सही है अरे गोलू थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है गाइस तो काफी भूख लग गया था तो और जो नहीं खाएंगे हम लोग चार दिन खाने वाले हैं जिसमें से ये पेटीज तुम पेटीज खाओगे ना हाँ मैं भी चिकन पेटीज खाने वाला ये दोनों पिज्जा खाएंगे हम लोग एटीएम गए ठीक है तो सामने आओ चलो ना बोलो एटीएम गए बट यहाँ पे देखो फोन पे था खाने खाने के लिए हम लोग एटीएम था कि खाना खरीद पाए बट ऑलरेडी यहाँ पे फोन पे लेकिन हम लोगों को बोला ओनली कैश नहीं हाँ वो दुकान वाला कैश बोले कोई बात नहीं कैश की जरूरत है कैश की जरूरत सही किया कितना दूर था एटीएम इतना टाइम क्यों लगा तुमको लड़की देख रहे थे लड़की देख रहे थे तुम क्या लड़का हो तुमको तो देख ही रहा हूँ पता है मेरा आईफोन में प्रॉब्लम है ना कैमरा प्रॉब्लम है लोगों का मुंह देखो मतलब मेकअप पूरा छप के दिख रहा है ये हाइलाइटर आप तो भाग रही है इधर आओ वो मेकअप आर्टिस्ट बाजे बाजे कॉलर हिंदी में बोलिए हिंदी में हिंदी में सब भाई इन लोगों का हिंदी तो बहुत ही अच्छा है बहुत अच्छा हिंदी है ब्लशर ওই ব্লাসারটা যে জুতো পলিশ করে যায় সেটা রাহুল কি পড়েছে ঠিক আছে তুই চোখে কি লাগিয়েছিস কাজল उसको तो मैंने थोड़ा सा सनस्क्रीन लगा दिया इसको और इसको अच्छा मोले दी क्या हाथ देखो गाइस मैं पिछली बार आया था तो डर के मारे इसे उठा नहीं था बट मैं इसे ट्राई करूंगा आप लोगों के लिए उठना ही पड़ेगा ये देखो ये वाला एक है फ्लाइंग सॉसर अभी नहीं चल रहा है अभी हम लोग इस पे जाएंगे स्काई डाइवर पे स्काई डाइवर इसका नाम है स्काई डाइवर पिछली बार नाम नहीं पता भाई सच बता मेरे को ये देख के मेरे को जोर का टॉयलेट लग गया सच बता बैंड में कहीं होना चाहिए जाएगा ये भी काफी डर रही है तुमको डर लग रहा है ना बोली हाँ भाई सच बता रहा हूँ स्काई डाइविंग काफी डेंजरस था मजा बहुत है मैं काफी फालतू का डर रहा था एक बार और करेंगे ना एक बार और जाएंगे सब लोग जाएंगे हालांकि मैं अपना फोन नहीं निकाला वीडियो करने के लिए डर गया था मैं काफी कहीं फोन गिर गया तो भैया वीडियो किया है हमें सजेशन दो बेटा प्लीज की बोलो जीवन ने उड़ी बिना क्यों भाई जीवन ने उड़ा मतलब हमें उसको डर लगा बाप रे बाप अबर दम फॉर्म अटके गेलो भाई सच में सीरियसली जस्ट अबर जस्ट चोक्ड माने नामा भाई आज ना होलो ने एरा एक्सपीरियंस मेरे को मजा आया भाई इनको बहुत डर लगा सच में तुमको मजा आया हमको तो पसंद बहुत ही अच्छा लगा हम शुरू में डर रहे थे ठीक है मैं शुरू में बहुत डर रहा था पर जब उठा तो मजा यार अलग ही लेवल का मजा वहाँ पे सच बता रहा अभी कोई और राइड देखते हैं चलो आज तो डरपोक एकदम क्या बोलते इसको मैं जीरो से हीरो बन गया जीरो से हीरो बन गया ट्रैप पे जाएंगे हम लोग एंट्री यहाँ से इसको क्या बोलते हैं मून रेकर ना छोटा सा यार डर नहीं है देखते हैं डर रही है बस दो राउंड टू लिखा हुआ वही तो राउंड टू और मैं नहीं चाहता कि एक ही वीडियो में सब डाल दूं तो आप देखोगे नहीं 20 मिनट का अगर वीडियो हो गया तो आप लोग देखोगे ही नहीं
ठीक है, बिकॉज मैं उतना कोई फेमस ब्लॉगर नहीं हूँ कि आप मेरा थंबनेल देख के क्लिक करके वीडियो देख लो, ठीक है। सो मैंने सोचा कि इसको दो पार्ट में करूँ, तो नेक्स्ट पार्ट में इससे भयंकर मतलब मस्ती बहुत ज्यादा की हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में बहुत अच्छा आपको ब्लॉग देखने को मिलेगा। तो गाइस अगर आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगता है प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चाहते हो मैं इसी तरह फालतू ब्लॉग बनाता हूं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ बेल आइकन को जरूर दबाना, और मुझे इंस्टाग्राम पे बात करना हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो। तो मिलता है कौन है वीडियो में कौन है ब्लॉग के साथ सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, खुश रहो, दूसरों को सहन दो, टड़ान।